नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में करीब करीब 10,000 जान ले चुकी है साथी, और हमारे देश में अभी तक 4 जाने जा चुकी हैं साथी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं इस वायरस को हराने के लिए, उस गाइडलाइन को फॉलो करें और बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स जो सरकार ने बताए हैं, जो आपके डॉक्टर्स ने बताए होंगे, उसको फॉलो करें साथी। जैसे कि दोनों हाथ को अच्छी तरह धोना, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से दोनों पंजों को धोना, साबुन से दोनों हाथ को धोना, गर्म पानी का सेवन करना, प्रोटीन युक्त खाना खाना, और अगर आपको सर्दी जुकाम या बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना, डॉक्टर से सलाह लेना साथी। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान दें तो हम इस आतंकवादी रूपी कोरोना वायरस को हरा सकते हैं साथी। हम सक्षम हैं, आप सक्षम हैं, हमारा यह देश सक्षम है। बस कमी है तो जागरूकता की और इच्छा शक्ति की साथी। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सजग रहें और इस बीमारी को हराने के लिए जो भी प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं उसको फॉलो करें साथी। हमारे जितने भी साथी हैं, बस यही अनुरोध है कि हमारा ये मोहल्ला, हमारा ये इलाका, हमारा ये रीवा शहर, हमारा ये देश, हमारा ये राज्य कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए साथियों। इसी क्रम में हम लोगों ने जागरूकता फैलाने के लिए यह पैम्फलेट छपवाया साथी, और हमने अपने मोहल्ला के हर एक घर में इसको दिया है साथियों कि आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और आसपास के लोगों को भी पढ़ाएं, क्योंकि जागरूकता ही एक ही इलाज है इस कोरोना वायरस का। इसका कोई मेडिसिन नहीं है साथियों। अगर आप जागरूक रहेंगे तो इस कोरोना वायरस को हम लोग हरा सकते हैं। धन्यवाद।